हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था, थोड़ा सा बाहर गया था, तो इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर दैट। एंड मैं आपको आज एक बहुत अहम चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मुझे रिसेंटली मिला है, मेरा जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो उसको हम लोग आज ओपन करेंगे एंड आपको दिखाएंगे कि कैसा होता है एंड ये आपको कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। एंड अगर आप कोई भी काउंसिल से, अगर कोई भी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप प्रोसेस सेम ही रहेगा, 99% सिमिलर रहेगा। किसी तरीके से डिफरेंट होता है, लाइक फ्यूज़ अलग हो सकता है और जो टाइमिंग है वो अलग हो सकता है, ठीक है, प्रोसीड्योर अलग हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोसेस है वो सिमिलर होता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको आज डिस्क्लोज करूँगा जो मेरे सर्टिफिकेट मुझे मिला है। तो ये है वो सर्टिफिकेट, ये है वो रजिस्ट्रेशन जो मुझे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल से दिया गया है आफ्टर माय बी फॉर्म। एंड मैं इसको अप्लाई किया था पिछले साल एंड ड्यू टू कोविड एंड ड्यू टू सम, मतलब मैं, मेरे घर से बहुत दूर है इसलिए मैं नहीं जा पाया था इसको लेने के लिए। सो इसको मैं अभी इसीलिए लेके आया हूँ, इसीलिए मैं आउट ऑफ स्टेशन था, क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात करें तो इसको प्राप्त करना, मतलब इसको मिलना बहुत एक आई थिंक एक बहुत टफेस्ट काम है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन दिस इज़ द हार्श रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल। सो ये इसको मिलने के लिए मुझे बहुत दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा, बहुत लाइन, बहुत लंबा लाइन, बहुत सारे कोशिश करना पड़ा, बहुत मेहनत करना पड़ा इसको प्राप्त करने के लिए। तो फाइनली आई गॉट दिस एंड मैं आपको आज ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है रजिस्ट्रेशन। सो जैसे कि आप, इसके जो कवर है बहुत अच्छा है, कवर दिया गया है, लेकिन ये कागज़ का है तो इसको ख़राब होने का बहुत संभावना है, तो आप इसको संभाल से रखिएगा, ठीक है। ये प्लास्टिक दिया, मतलब मुझे पता है कि प्लास्टिक यूज़ करना उचित नहीं है, लेकिन इस हिसाब से एक प्लास्टिक का कोड भी अगर इसमें दिया जाता तो वो अच्छा होता। तो यहाँ पर जो रजिस्टर है उनके नाम हैं एंड यहाँ पे जो लोगो है वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल का, इन माय केस आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते तो आपका यहाँ पे स्टेट का फार्मेसी काउंसिल का लोगो होगा एंड यहाँ पे जैसे लिखा है सिमिलर आपको भी लिखा होगा। एंड इसके और कुछ यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड ये जो देख रहे हैं ये है फार्मेसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल फार्मेसी काउंसिल सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा एंड यहाँ पे नाम सब कुछ डिटेल्स दिया गया है एंड हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट अंडर सेक्शन 32(2), ठीक है, ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। इसलिए मैं कहता हूँ फार्मेसी एक्ट 1948 को अच्छे से पढ़ो सब। एंड यहाँ पे मेरे क्वालिफिकेशन भी लिखा है, यहाँ पे एक सिग्नेचर दिया गया है। सो दिस इज़ माई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इसको प्राप्त करेंगे। सो अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं इन बी फॉर्म फार्मेसी और डिप्लोमा करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी, दोनों, इवन यू आर ग्रेजुएट और बी फॉर्म, मतलब डी फॉर्म, तो बी फॉर्म या डी फॉर्म जब आपका कॉलेज कंप्लीट हो गया, आपका 8 सेमेस्टर का रिजल्ट पब्लिश हो गया, उसके बाद आपको जिस स्टेट में आपका कॉल, मतलब जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, डजेंट मैटर आप किसी भी स्टेट से पढ़ रहे हैं या किसी भी स्टेट में आप जाके पढ़ रहे हैं, आप कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन उसी स्टेट देगा जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ना कि जिस स्टेट के कॉलेज के आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर सिमिलर स्टेट है, सिमिलर कॉलेज है तो दैट इज़ फाइन, बट अगर नहीं है, बहुत अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत बाहर बाहर जाके पढ़ते हैं, दूसरे स्टेट में जाके पढ़ते हैं, दूसरे सिटीज़ में जाके पढ़ते हैं, लेकिन आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके काउंसिल के द्वारा ही दिया जाएगा, ठीक है, इनकेस आपको वो माइग्रेट सर्टिफिकेट एक जुडिशियल एक बनाना होगा, ठीक है, कोर्ट से एफिडेविट करना होगा, दैट्स ऑल। सो आफ्टर योर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा आपको जो ऑल आपके डिटेल्स है इंक्लूडिंग योर आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लाइक वोटर कार्ड, आधार कार्ड और जो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह है, आपका फ़ोटो एंड आपका जो 10th लेवल का जो एडमिट है, 12th लेवल का जो मार्कशीट है, 12th लेवल का एडमिट नहीं चाहिए, 12th लेवल का मार्कशीट चाहिए, 10th लेवल का एडमिट चाहिए फॉर बर्थ प्रूफ, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो चाहिए, अगर आपको डिग्री मिल चुका है तो दैट इज़ फाइन, अगर नहीं मिला तो प्रोविजनल एक सर्टिफिकेट दिया जाता है वो चाहिए। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए एंड उसके साथ जो टोटल 8 सेमेस्टर का जो
रिजल्ट्स होता है, मार्कशीट होता है, वो चाहिए ओरिजिनल, ये सब ओरिजिनल चाहिए विथ टू कॉपीज ऑफ एटेस्टेड, ठीक है, जिनमें एक कोई एक मेडी एक पर्सन का सिग्नेचर होना चाहिए जो ऑथराइज्ड है, ठीक है, ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड किसी पर्सन का सिग्नेचर चाहिए उनके, एंड स्टैम्प भी चाहिए। इन माई केस मैंने एक डॉक्टर से किया था जो एक मेडिकल ऑफिसर भी हैं एक हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उनसे मैंने साइन लिया था, रजिस्टर्ड किया था। तो आप ऐसे भी किसी भी जो ऑथराइज्ड पर्सन है उनसे सिग्नेचर ले सकते हैं, BDO हो गया, SDO हो गया, किसी को कोई भी हो सकता है। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स विथ टू कॉपी ऑफ जेरोक्स ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है, आपको लेके जाना होगा। फिर वहाँ पे आपको नाम लिखाना पड़ेगा, फॉर्म देगा, फॉर्म फिलअप करना होगा, फॉर्म फिलअप के बाद वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके साथ साथ आपके जो जो डुप्लीकेट्स हैं फोटोकॉपीज है उनके अटैस्टेड होगा, अटैच होगा। फिर आपको एक फ़ीस पेमेंट करना होगा, ठीक है, क्योंकि मैं पिछले साल अप्लाई किया था तो मुझे 1400 रुपीज़ पड़ा था। अभी इन करेंट अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो फीस बहुत बढ़ गया है, आई थिंक इट्स अराउंड 4000 या 5000, आई कैन नॉट से द राइट, बट आई थिंक इट्स अराउंड दिस, एंड वो फीस बहुत बढ़ चुका है। एंड आपके जो स्टेट का फीस है वो आप देख सकते हैं, अपने नज़दीकी जो काउंसिल है वहाँ पे जाके आप पता लगा सकते हैं, या फिर आप जो वेबसाइट है वहाँ से पता लग सकता है। और ये मैंने बात किया ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एंड अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अवेलेबल है वेबसाइट में, तो वेबसाइट में जाके चेक कीजिए। अगर वो ऑनलाइन में होता है तो ऑनलाइन में अप्लाई कीजिए, वहाँ पे ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, फ़ीस दीजिए, फिर आपको एक डेट दिया जाएगा, एक टाइम दिया जाएगा, उसी डेट और टाइम में आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके जाइए। आपको वहाँ पे वेरिफिकेशन करना होगा, वेरिफिकेशन के बारे में आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि क्यों आपने किया है एंड ऑल, कहाँ से पढ़े हैं, अपने नाम, पिता का नाम, ये सब पूछा जाएगा। फिर आपने जो डॉक्यूमेंट्स वो वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको उसी दिन जो रजिस्ट्रेशन है मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो जिस दिन आप लोग अप्लाई कर रहे हैं उसके एक महीना बाद या डेढ़ महीना बाद आपको, या 15 दिन बाद ऐसे कुछ होता है, आपको फिर से जाना होगा रजिस्ट्रेशन को लेने के लिए। सो यही है रजिस्ट्रेशन। इवन अगर आप लोग डी फार्म के बाद अगर आप लोग बी फार्म कर रहे हैं तो उस हिसाब से उस इन दिस केस आपको जो है आपका वो अटैच हो जाएगा, ठीक है, आपका अपग्रेड हो जाएगा, आपका डी फार्म बी फार्म डिग्री एक साथ में जुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप फिर एम फार्म करते हैं तो फिर से सेम प्रोसेस, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेम ही रहेगा, सिर्फ वो अपग्रेड हो जाएगा डी फार्म बी फार्म साथ में, ठीक है। सो ये अगर मैं इसके बाद एम फार्म करूँ, जो कि मैं करूँगा, तो तब जो मेरा एम फार्म के बाद जो रजिस्ट्रेशन है वो इसके साथ में अटैच हो जाएगा, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, कोई दूसरे टॉपिक, दूसरे सब्जेक्ट, दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत दिन वीडियो नहीं अपलोड हुआ था तो चैनल थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो इसलिए मुझे फिर से फ्रेश स्टार्ट करना होगा। एंड मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपको पहले तो बहुत थैंक यू, क्योंकि अपलोड होना बंद हो गया था तो मुझे नहीं मतलब मुझे लगा कि आप लोग शायद छोड़ के चले गए, तो थैंक यू फॉर स्टेइंग इन आवर चैनल। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो उसके लिए। तो जल्दी जल्दी इसको 1K सब्सक्राइब कर, 1K नहीं, 500 सब्सक्राइबर करने के लिए हेल्प कीजिए, क्योंकि 500 सब्सक्राइबर अगर हो जाए जल्दी से जल्दी तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर पाऊँगा। जब मैं लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करूँगा तब डेली लाइव सेशन में मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाऊँगा, आपके साथ लाइव क्लासेस ले पाऊँगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।